क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आप भी अगर युवराज सिंह को फिर से टीम इंडिया में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, टीम इंडिया के सिक्सर किंग के नाम से जाने जाने वाले तूफानी बल्लेबाज युवराज सिंह काफ़ी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। आपको बता दूं, हाल ही में भारत में चल रहा है सैयद मुश्ताक अली का टूर्नामेंट। इसी टूर्नामेंट में युवराज सिंह भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में पंजाब और सौराष्ट्र का मुकाबला हुआ था। ऐसे में युवराज सिंह पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए सौराष्ट्र की टीम ने अपने 20 ओवर में 199 रन बनाए थे। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम। आपको बता दूं, पंजाब की टीम इस लक्ष्य को नहीं पहुंच पाई, लेकिन मात्र सिर्फ 165 रन ही बना पाई अपने 20 ओवर में। पंजाब की तरफ से सबसे खतरनाक बल्लेबाजी मनदीप सिंह ने करी थी। मनदीप सिंह ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली थी। अब बात करें अगर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे युवराज सिंह। युवराज सिंह टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाजों में से एक जाना जाता है, लेकिन इस मैच में युवराज सिंह का बल्ला कुछ भी नहीं बोला। युवराज सिंह इस मैच में मात्र 6 रन ही बना पाए 8 गेंदों में, जिसमें से युवराज सिंह ने एक ही छक्का लगाया था। आपको बता दूं, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के बाद युवराज सिंह का खराब प्रदर्शन मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी नजर आ रहा है। मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले ही मैच में इतना खराब प्रदर्शन काफी दर्दनाक है। आपको बता दूं, अगर युवराज सिंह का ऐसा ही प्रदर्शन रहेगा तो कभी भी टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब 2019 का आईपीएल युवराज सिंह के पास सुनहरा मौका है। देखते हैं युवराज सिंह 2019 के आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करते हैं और वो कब टीम इंडिया में वापसी करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह 2019 में टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे या नहीं, इसको जो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।